अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, धरती टीवी में भलीकार मां आया मंजर अजीज सब खा पेरा शामिल कंदासी इन वक्त जो हेडलाइंस। असेंबली की जंग, असेंबली अंदर ई विढ़ी वने, मानू आने वोट विजन खां रोकण की इजाजत न डिनी वेंदी। सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल जा बेएतमादी रिथ का अग सियासी जलसा रोकण ले सुप्रीम कोर्ट बार की दरख्वास्त के बुधनी दौरान रिमार्क्स। बुधनी के मौके से अपोजिशन क्यादत शहबाज शरीफ, बिलावल भुट्टो जरदारी और मौलाना फजल रहमान समेत बया सियासी अगवान अदालत पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट बार के वकील स्पीकर के 5 मार्च से इजलास घुराण जो वो आर्टिकल 95 तहत इजलास 14 दिन अंदर घुराण जरूरी है। स्पीकर के 14 दिन का देर करण जो हक ना है। बेएतमादी रिथ से फैसलो अचण ती इजलास अणजातल मुलतवी नथो करे सके। चीफ जस्टिस चो अदालत के या गाल यकीनी बनाणी है त कें भी इवेंट सबब को भी मानू वोट देण का महरूम न रहे। वोट देण मेंबर जो आईनी हक है। अदालत असेंबली की कार्रवाई में मुदाखलत की कायल ना है। जस्टिस उमर अता बंदियाल रिमार्क में चो ही कौमी असेंबली जो अंदरूनी मामलो है, बेहतर थींदो त असेंबली की जंग असेंबली अंदर ही विढ़ी वने। अटॉर्नी जनरल आ पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के बेएतमादी की रिथ वे डी असेंबली मेंबर के हिफाजत से असेंबली पहुंचण की खातरी। अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद अदालत में मेंबर के असेंबली पहुंचण में रंडक पैदा करण के मसले से वजीर आजम से गालायो। हलफ खड़ी चवा तो इजलास वे डी कें असेंबली अचण वक्त हुजूम में गुजरण न पवो। आइन की का भी शिक कें बागी मेंबर के वोट विजण का नी रोके। सुप्रीम कोर्ट सदारती रेफरेंस से लाजिज बैच जोड़न जो फैसलो कर छोड़ो। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदियाल चुआ है सदारती रेफरेंस से लाजिज बैच जोड़ी वेंदी। सदारती रेफरेंस से बुधनी 24 मार्च से थींदी। दरख्वास्त से रिमार्क्स दींदे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान चुआ है आर्टिकल 68A पार्टी के हक की गाल करे तो पार्लियामेंट में सियासी पार्टी जहा भी हक हूं। पार्लियामेंट जो कम आइन और कानून मौजिब थे घुर्जे। जस्टिस मुनीब अख्तर चयो त आर्टिकल 68A तहत मेंबर के वोट जो केस अदालत वही सके तो। इस्लामाबाद इंतजामिया हुकूमत और अपोजिशन के रेड जोन में जलसा करण की इजाजत देण का इनकार कर छोड़ो। इस्लामाबाद इंतजामिया जो चवना है तो रेड जोन में घना मानू अचण से सिक्योरिटी जो मसलो पैदा थी वो। हुकूमत तोड़ी अपोजिशन रेड जोन में जलसा नथा कर सकन। टीपी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी चवा है तो हुकूमत बेएतमादी रिथ का भजन ले आइन भंकड़ी ते लई आई है। आइन की पहरे स्पीकर कंसील देखारो छड़ो तो हु आइन तोड़े सके तो। सिंध हाउस ते हमले जो अदालत नोटिस वरतो है। उम्मीद है तो अदलिया आइन कानून और जमहूरियत जो साथ दींदी कें सियासी जमायत जो न। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ चवा है तो OIC कॉन्फ्रेंस की आड़ में स्पीकर आइन की भंकड़ी कई। 14 दिन में इजलास न घुराए आइन का मुंह मोड़े वो। हुकूमत जाने माने इजलास न घुराए कोशिश कई तो अपोजिशन के ट्रेप कजे। PDM सरबरा मौलाना फजल रहमान चवा है तो इतने न जमहूरियत है न ई जमहूरी माहौल है। जडे जहाज भरे भरे आने रहा हुआ तो ही जमीर जो आवाज चई रहा हुआ। अदालत आइन और कानून मौजिब फैसलो कंदी। आर्टिकल 68A आइन की बुनियादी हिस्सों है चोरन खिलाफ जदोजहद जारी रही। सूरत समाज वफाकी वजीर फवाद चौधरी चवा है तो मौलाना फजल रहमान इस्लाम के नाले से वन माफिया के डायण एक चैलेंज है। हू बागी MNS के वापसी ले हफ्ते की मोहलत दियन था। बागी मेंबर 7 दिन में वापस न आया तो ना अहल थी वा।
बागी मेंबर वापस न आया त कें के मुंह देखारण लायक न रहंदा। सूबाई वजीर सईद गनी वजीर आजम इमरान खान के चरियो जुनूनी करार दई छड़ियो। सईद गनी चोए तो वजीर आजम चरियो थी चुको है। इदारन के हिदायत कई वने तो बागी मेंबरन खिलाफ कार्रवाई करे खेन गुम कयो वने। इमरान खान तय करे छड़ियो है तो मुल्क जी घटी घटी में फसाद कराना आहिन। हलंदड़ महीने ही इमरान खान अगूनो वजीर आजम थी वेंदो। प्रेस कॉन्फ्रेंस कंदे सूबाई वजीर सईद गनी चयो है तो वजीर आजम बागी मेंबरन के चवे थो हाने हु शादिन में न वनी सकना न सनन बार स्कूल वनी सकना। बेएतमादी रिथ के 14 दिह थी वया पर अन्या कौमी असेंबली जो इजलास न सदायो वयो। आइन मुजिब स्पीकर 14 दिह जे अंदर इजलास सदायण जो पाबंद है। खान साहब गेम इज ओवर हाँ केर अवाजी मदद करण न इंदो। खान साहब हाँ अवाजो हिसाब वठण जो न पर हिसाब किताब देण जो वक्त आहे। मुस्लिम लीग नून जी नायब सदर मरियम नवाज चवे इमरान खान के खबर पेजी वई आहे त हु हाराए वयो आहे। लफ्ज न्यूट्रल चर्चो बणजी वयो आहे। आई न्यूट्रल वजीर आजम जे फूकणे मां हवा कढी छॾी आहे। इमरान खान धमकियूं अपोजिशन के न पर कंहिं ॿिए खे ॾेई रहियो आहे। मरियम नवाज चयो इमरान खान न्यूट्रल ई मने जिया मच्छी जिया छो तड़पी रहियो आहे। एम्पायर जी न्यूट्रल हुजण ते इमरान खान खे जानवर चई दुनिया के कहिड़ो पैगाम ॾियण चाहियो। हुकूमत में हुजण बावजूद वजीर आजम जी समूरी पार्टी संदसि हथनि मां वारी जिया निकिरी वई आहे। वजीर आजम हाउस में इमरान खान की सदारत हेठ पीटीआई के सियासी कमेटी जो इजलास। इजलास में तहरीक अदम एतमाद समेत बेन अहम मामलों ते गौर। कौमी असेंबली के इजलास का पोए हुकूमत हिकमत अमली ते भी गौर विचार कर दो। रोहिड़ी में नारी के अगवा करण की कोशिश मुजाहमत से कतुल गोठ वडा पेटनी भरसा हथियारबंद नारी पूजा ओड के अगवा करण की कोशिश कई। मुजाहमत से फायरिंग में नारी मारजी वही वाके बाद जवाबदार फरार। पुलिस पहुंची नारी जो मर रोहिड़ी अस्पताल मुंतकिल कर छोड़ो। पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया विच में सीरीज जो टीमों आखिरी टेस्ट अज का लाहौर के कदाफी स्टेडियम में खेड़ पे वे। ऑस्ट्रेलिया टॉस खटे पैरी बैटिंग जो फैसलो कर छो। कौमी टीम के कप्तान बाबर आजम चयो तो हु भी टॉस खटे पैरा बैटिंग जो फैसलो कन हा पर हु कोशिश कदा तो ऑस्ट्रेलिया के जल्द आउट कन। कौमी टीम में एक तब्दीली कदें फहीम अशरफ की जाए नसीम शाह के शामिल किया।